नमस्कार। आज मैप सीरीज में नए टॉपिक के साथ आपके साथ। आज का टॉपिक है ताप और अणुशक्ति परियोजनाएं। पिंक कलर में आप अणुशक्ति केंद्रों को देखेंगे और ग्रीन कलर में ताप विद्युत केंद्रों को प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहले ताप विद्युत केंद्रों को देखते हैं, उत्तर से शुरुआत करते हैं। पानीपत हरियाणा के अंदर है, दिल्ली जानते हैं आप, फतेहाबाद फरीदाबाद है, दिल्ली के किनारे पर ही है। और उसके बाद नीचे चलते हैं, पांकी योजना है, उत्तर प्रदेश में है। और फिर कोटा है, गांधीनगर गुजरात में है, भुसावल है, नासिक है, महाराष्ट्र के अंदर पांडली है, चंद्रपुरा प्रदर्शित किया गया है, सतपुड़ा आप देख सकते हैं, इसको भी कई बार पूछा गया है, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है, अमरकंटक है प्रसिद्ध, रिहंद बता दें उत्तर प्रदेश में है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, एक सिंगरेली और आएगा वो आंध्रा के अंदर प्रदर्शित करेंगे, दोनों में अंतर है, एक सिंगरौली है एक सिंगरेली है, दोनों में अंतर है। बोकारो बरौनी वैसे बिहार याद रखेंगे, बोकारो बरौनी वैसे बिहार याद रखेंगे। चंद्रप्रभा है, स्वर्णरेखा है झारखंड में, और दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में, और पूर्व तरफ अगर चलें तो वहाँ पर नामरूप बोगईगांव, ये दोनों असम में स्थित है, लोकतक मणिपुर के अंदर है। और दक्षिण में अगर अपन चलें, आंध्रा में विजयवाड़ा है, चेन्नई में, चेन्नई के पास है एनोर, एनोर जो है तमिलनाडु में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में। नेवली पे कई बार सवाल पूछा गया है, लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है और इस कोयले से काम में लिया जाए। इसी तरीके से राजस्थान के अंदर भी लिग्नाइट प्रकार का कोयला है, बीकानेर पलाना के अंदर है, वहाँ पर भी थर्मल पावर स्टेशन यानी कि ताप विद्युत केंद्र है। इसके बाद इसको थोड़ा और डिटेल में आप लोगों को मैं प्रदर्शित कर रहा हूँ। इस डिटेल मैप में अगर आप देखें तो थर्मल और परमाणु विद्युत केंद्र प्रदर्शित किए गए हैं। थर्मल केंद्रों को हमने डिस्कस किया, अब परमाणु विद्युत केंद्रों को यानी कि अणुशक्ति केंद्रों को डिस्कस कर रहे हैं। अणुशक्ति केंद्र कुल मिला के जो प्रमुख रूप से हैं वह 9, उनकी संख्या बताई गई है। तो सबसे पहले स्थापित अपन देखते हैं, सबसे पहला स्थापित आप देख रहे हैं तारापुर है महाराष्ट्र के अंदर, और तारापुर के साथ महाराष्ट्र में एक नव स्थापित और किया गया है, जेतपुरा है, जो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता है, 9200 मेगावाट इसकी विश्व में सबसे प्रसिद्ध है जेतपुरा, इसकी स्थिति भी महाराष्ट्र के अंदर है। गुजरात के अंदर हम देखें काकरापारा है, खाकरा से याद रखेंगे गुजरात का काकरापारा। रावतभाटा कई बार सवाल पूछा गया है, रावतभाटा कोटा चित्तौड़गढ़ रोड पे है, ये राजस्थान का अणु केंद्र है। और फिर चलते हैं नीचे की तरफ बढ़ते हुए, यहाँ पर कैगा है कर्नाटका में, कैगा कर्नाटका। दक्षिण में चलते हैं, दक्षिण में तमिलनाडु के अंदर आपको दो देखने को मिलेंगे, ग्रीन कलर में कुंडलकुलम है और एक कल्पकम है, दोनों ही कम कम आ रहा है इनमें, कुंडलकुलम और कल्पकम याद रखेंगे तमिलनाडु में। इसी तरीके से उत्तर की तरफ और चलें तो उत्तर के अंदर आप देखते हैं फतेहाबाद सिरसा कुमारिया, फतेहाबाद सिरसा इसका नाम है, फतेहाबाद आप प्रदर्शित का है। और नरोरा है उत्तर प्रदेश में है, ये भी कई काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस तरीके से कुल मिला के हमने 9 प्रमुख परमाणु विद्युत केंद्रों के बारे में डिस्कस किया है, आगे भी डिस्कस करते रहेंगे, साथ जुड़े रहिए, तैयारी कीजिए, धन्यवाद।